खड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे पसीने बह रहे हैं भाई, तेरे पैर तो मस्त सूज चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सन चैनल आईएसपी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे, जो कि हम कर रहे हैं थ्रू ट्रेन। और हमारी ट्रेन है न्यू दिल्ली स्टेशन से, जो कि है कितने बजे की, 7:05 पे, और अभी हुए हैं अप्रॉक्स 5:35। और हम लोग 3 फैमिलीज जा रहे हैं, तो आइए आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। और सब बोले जय माता दी। तो गाइस, अभी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया है, और अभी हमने ऑनलाइन चेक कर लिया कि हमारे कौन कौन से सीट नंबर हैं। फर्स्ट एसी हमारी बुकिंग है, अभी फिलहाल 10 मिनट में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से क्या आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, अब गाड़ी भी रोकते हैं, फिर सामान उतारते हैं, अंदर चलते हैं। इसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, देखो ऐसे वो चल रहा है। अभी यहाँ पर ट्यूशन से ट्यूशन से निकला, सीढ़ी में गिर गया, पीट में लग गई, दर्द नहीं हो रही? नहीं। जय माता दी। ये को बाय बोलते हैं, मिलते हैं। तो गाइस, हम पहले प्लेटफॉर्म से अंदर आए हैं, हमें 7 बजे जाना है, थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी, फिर चलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो गाइस, ये लिखा श्री शक्ति एक्सप्रेस, यही है हमारी 6-7-7 इधर 7 प्लेटफॉर्म। हाँ, अरे चल चुकी है अभी। तो गाइस, अभी हम बाला पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 10 मिनट के रुकी है ट्रेन, और हम उतर के आ गए थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं करते क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। अभी सिर्फ 9:45 हुआ है, इसलिए कितनी रात हो गया, सोने का मन कर गया है। 9:42 है भाई, 5:45। 2-4 मिनट में क्या ही हो रहा है। तो गाइस, अभी फिलहाल हम बाहर से ट्रेन चल चुकी है, इसको बंद ही कर देते हैं, खुले हुए ना तो थोड़ा डर लगता है। छः बजे हैं और हम सब टाइम से लेट, 5:40 पे पहुंचनी चाहिए थी कटरा, लेकिन अभी उधमपुरी पहुंचे 6 बजे। कितनी देर लेट है, आधा घंटा? 30-40 मिनट। हाँ, अभी आधा घंटा ऐसा और लगेगा कटरा के लिए, और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, पानी भरते हर जगह। तो गाइस, फाइनली कटरा स्टेशन आ चुका है और हम सारे तरफ से, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, कसम से बारिश आ रही है, पर एक नंबर मौसम हो रहा है, ऊपर सारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। अब इस लाइट शेड के नीचे चलते हैं, ज़्यादा ना भीगे। हमारी फर्स्ट एसी में आ गए थी कुछ, और यहीं से ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर दिख रहा है पूरा, जहाँ हमने अभी जाएंगे। तो अभी फिलहाल होटल में आ चुके हैं, और रूम ठीक है, बढ़िया रूम है, यहाँ से व्यू तो ओके ही है, पर यहाँ से ऊपर हो रहा उधर साइड में भवन। हाँ, बारिश कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हुई है रात से, ऑटो भैया कह रहे थे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसे बस सब भागा, मौसम चेक करो कितना बढ़िया हो रहा है, सुबह के 9:30 रहे हैं और सारे सो चुके हैं, कोई उठ नहीं रहा है। हमारे प्लान थे 9 बजे निकलेंगे, पर अभी तक सब सो रहे हैं, अब सबको उठाने जा रहे हैं, कोई उठ भी नहीं रहा है। अब जब सब उठ के तैयार होंगे उसी टाइम निकलेंगे फिर।
पता नहीं कब तक लेट होएंगे। गाइस बारिश थी, तेज बारिश हो रही है, हम सब तैयार होकर निकलने लगे पर रेनकोट लाए थे घर से, पर किसी के छोटे हैं किसी के बड़े हैं। यात्रा आईडी कार्ड बनाने के लिए हम बारिश में पूरा भीग के जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा बहुत गंदी बारिश है आज के दिन, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि यात्रा कैसे होगी इतनी बारिश के अंदर। ऊपर से अभी मंदिर जी के रेनकोट नहीं है, वो दौड़ के लगा के गए हैं यहाँ से। मैं अपना अपना बैग मेरे को दे गए, पानी देगा इसको, इतना गंदा भर चुका है यहाँ पे, बुरी हालत हो चुकी है। लिटरली पूरा पूरा पैर इतना पानी भरा हुआ है। तो यहाँ स्टेशन से बनेगा हमारा यात्रा आईडी कार्ड। गाइस अभी यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सबको एक एक कार्ड मिला है आधार कार्ड पे। आ गया कार्ड, ऐसे ऐसे कार्ड मिले सबको। जब सुबह आए तब यहाँ स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन, अब तो खाली था ये मेरे गए। अब फिलहाल चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माई यात्रा आई डी कार्ड, और इन्होंने बोला है कि इसको किसी का मिक्स मत करना, मिक्स करो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जिसका है अपने पास रखे। सारे संभाल लो आधार कार्ड। सबसे बढ़िया फिल्म दिखाते हैं आपको मनीष जी, बाहर बारिश में बिल्कुल फिर वोट हो गए, क्योंकि उन पर रेनकोट नहीं है, रेनकोट नहीं है, और वो शूज भी जूते पहन के आ गए कपड़े वाले, और पूरा पहनने चाहिए चप्पल थी, शूज नहीं पहनने चाहिए बारिश के टाइम। यार फिर तो आगे भागे है ओहे अर्पित भैया। तो गाइस ये है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का, पानगंगा। तोतिया तोतिया मेरे मामू, तोतिया तोतिया तोतिया, आपको भी सुनाई दिया। इस बहुत भारी बारिश के अंदर भी हमने यात्रा चालू कर दी है, यहाँ से एंट्री है, स्कैनिंग वगैरह होगी। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यात्रा, और यहाँ इतने बंदर ही बंदर हैं, बहुत सारे, बाकी अभी चल रहे हैं आगे। तो गाइस बारिश चक्कर में यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी लग चुका है, ऑटो यार कितना कितना पानी भर चुका है। फोन की तो कोई टेंशन नहीं है, फोन की तो धीरे धीरे यात्रा चल रहे हैं। अब हमने सारे अपने बैग एक प्रैम में रखवा लिए, क्योंकि वो टाइम की दिक्कत है चलने में। पानी का फ्लो बड़ा तेज है यार, बड़ा ही तेज फ्लो है। अगर यहाँ बिल्कुल ऐसे खड़ी सी चढ़ाई आ गई है, हमने डंडिया भी ले ली 20-20 रुपए। अगर घर ले जाए तो पैसे नहीं वापस ही मिलेंगे, वापसी देंगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे। थक गई क्या जल्दी, थक गए पागल है, थक गए? नहीं नहीं बता कैसा लग रहा है। बारिश रुक गई, बारिश रुक गई, हाँ मतलब बहुत कम है। इसी के साथ थोड़ा चलते ही ब्रेक ले लिया गया है 2 मिनट का, ड्रिंकिंग ब्रेक, ये फ्रूटी पियेंगे। गाइस अभी तक मज़ा तो बहुत आ रहा है चढ़ाई करने में, कर ही जा रहे हैं बस, पता नहीं कितना चल गया, कितना थोड़ा नहीं करेंगे पर पैदल चलेंगे। ये भी अंदर कोई मंदिर आया। तो गाइस अभी देखा तो हम 1.5 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं, और लग रहा है कितना ही आ गया, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक और मंदिर है, यहाँ से चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। गिर लो यार, मंदिर से फिर रह गए। अभी तो हम बादलों के बीच आ चुके हैं, ऊपर बादल ही बादल हैं, बादलों के बीच आ गए हम, तो बादलों के बीच आ गए। बादल ही बादल हो रहे, गोल्डन गोल्डन ही हो रही है।
तो गाइस अभी हमने सूर्य रास्ता ले लिया है, जो कहते हैं नहीं लेना चाहिए। बहुतों ने कहा कि सूर्य रास्ता नहीं लेना चाहिए, लेकिन थाइस थाइस टूट जाती है सारी। जय माता दी, वो चलता रहे सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं। अब मुझे लग रहा है कि गलत काम हो गया है भाई। देख सुन, 20 किलो चढ़ी ली, 340 बाकी है। छोड़ छोड़, मेरा ये छोड़, फट जाएगा। यार मैं फोन कुछ नहीं है, है फोन है। तो भाई अभी 110 120 सीट दे चुके हैं। ओए यहाँ से नहीं रहूंगे हर जगह। ये देखो, एक एक दो तीन चार पाँच पाँच तो यही गिनती है मैंने। एक दो तीन और कहाँ थे, चार पाँच 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 नहीं। तो भाई अभी वो वहाँ तक जाने तब खत्म हो गए। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 भाई तो सूर्य तो यहाँ होगी, सीढ़ियाँ चढ़ गए। व्यू है, हाँ हाँ व्यू हो तो ऐसा नहीं तो ना हो। एक स्नैप ले। तो गए यहाँ से नज़ारे के साथ हम फुल स्पीड पे चलते हुए, क्योंकि क्योंकि सब घोड़े देके चले गए, बस हम चार पांच लोग ही रह गए। बाकी सारे अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं आधे रास्ते पे, सारे के सारे घोड़े लेके पहुँच चुके हैं आधे घंटे पहले। लेकिन हम अकेले पैदल चार लोग पांच लोग, और हरमन भी जहाँ हरमन में घोड़ा नहीं किया उसने अभी तक, लगा नहीं था। पूरे खेचे में चल रहे हैं अभी, छठा गया डाल लो। क्या कहा, हमारी तो गाड़ी ऑटोमेटिक गिर नहीं डलते। पता कितना किलोमीटर हो रहा है? 1.5 होगा। अरे वो नहीं, उससे आगे 7 किलोमीटर है। वापस से सीढ़ियों का रास्ता देते हुए 270 सीढ़ियाँ, 74, 76 तो गिन चुका मैं। 78 हो गई। हाँ भाई, भाई 300 सीढ़ी चढ़ दी। 300 नहीं, 220 हो गई। यहाँ तक गिन रहा हूँ मैं सारी, पसीने आ गए भाई लिटरली। यहाँ ठंड है और मुझे पसीने आ रहे हैं। मेरे भाई मेरी बॉडी पसीने पसीने हो चुकी है। एक बारी और 115 सीढ़ियाँ, जाने दो। हैं इजी है बेटा, भी चलो आगे देखो कितनी खड़ी है। ओए फिसल जाएगा यार ऐसे। भाई नज़ारा है लेकिन यहाँ से पूरा पूरा ना। मौसम खुल चुका पूरा, बढ़िया हो चुका है। अर्धकुंवारी जो पहुंचने वाले हैं, अभी नहीं पहुंचे यार। एक तो ये सारे स्लो मोशन साथ में घूम रहे हैं ना। तो गाइस ये आधा रास्ता आ चुके हैं अर्धकुंवारी, यहाँ बहुत सुंदर है ये। अब यहाँ से 6-7 किलोमीटर और ऊपर भवन के लिए चलते हैं। चलो चलो चलो, कितने किलोमीटर कर रहे हो? मैं 7 किलोमीटर चढ़ गया भाई। हैं भाग के चलोगे? ओ भाई भीड़ बहुत है यार। तो गाइस अभी हम अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं और हम भवन की तरफ जा रहे हैं। 7-7 किलोमीटर जितना भी है। सारे लोग आके हैं, दो आगे हैं, दो लोग पीछे हैं और हम दो यहाँ पे हैं। घोड़े हैं नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा सारा रास्ता। लोग घूर ऐसे रहे बीच बीच में आगे हो गया नीचे अर्धकुंवारी आधा रास्ता। अब यहाँ चले जाने, पता नहीं कितने आगे जाना है। नहीं तो फोन में नेटवर्क भी नहीं है ना हमारे, सब थोड़ी दिक्कत ही यही है। इसे कॉल भी नहीं कर सकते हैं ना कुछ चला सकते हैं, सिर्फ वीडियो बन सकती है। तो गाइस अभी रास्ते में, और पापा ने घोड़ा किया था
ऊपर जाने के लिए और स्कैम करके चला गया थोड़ा सा। स्कैम तो ऐसा थी मतलब थोड़ा पागल सोना ही चला गया। हाँ वो ज़्यादा पैसे डिमांड कर था बट इतने पैसे बनते नहीं थे तो उसने घोड़े को कुछ बोला और घोड़े वाले ने अपना पूछने लग गया क्या था घोड़ा के ऊपर नहीं जाएगा और फिर छोड़ चला गया। वैसे पापा चलने पैर चलने पर पापा के भी फ्रैक्चर हुआ तो पैर में दर्द रहती है कर लेंगे मैनेज थोड़ा सही है 5 किलोमीटर चलो। हर 100-200 मीटर पे ये वाटर का प्योरीफाइड वाटर की सर्विस है। मेरा जो फ्री वाटर ही है वही देखते हैं। हर वैसे हर जगह लगा मैं देखा ना पीछे ना नब्बा कोई वो डालना पड़ेगा ठंडा नॉर्मल और गरम पानी भी है गरम तो नहीं है नॉर्मल ही है। तो ये सारे सब बहुत ज़्यादा रुक रहे थे मैं सबको छोड़ के अकेले खेचा मार के अभी गए 3.5-4 किलोमीटर है 2 घंटे लग जाएंगे मैं जाऊँगा आधे घंटे 45 मिनट तक अकेले रहूँ बिल्कुल कोई भी नहीं है खेचे निकल जाएंगे बिल्कुल ऐसे रुकूँगा कहीं नहीं पैसे हैं जेब में फ़ोन है चाहे कॉल करनी नहीं जाना एक जगह ही है पहुँच जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा 15 मिनट चलने के बाद मम्मी मुझे मिल गई आ गया के और ये ऐसे पसीने बह रहे हैं ना मैं कम से कम तो एक किलोमीटर में नॉन स्टॉप भाग के आया हूँ पसीने निकल रहे हैं पूरे ऐसे बॉडी में जब क्या ठंड है इतनी अभी इन सब के साथ रहूँगा मैं अकेले आऊँ ना मैं तो पता नहीं किसी जगह करके उतर नहीं जाऊँ तो गाइस सारी मेहनत करने के बाद जब ऐसा भी देखने को मिले ना तो थकान सारी उड़ जाती है। ये देखो मतलब लिटरली वाओ यार बादल पहाड़ देखो कितना ही सुंदर है साथ में सनसेट और हो रहा है गोल्डन आवर पूरी चढ़ाई पैदल कर ली गाइस। तो गाइस अभी वहाँ पे 1 घंटे वहाँ रेस्ट करने के बाद निकल चुके हैं टाइम हो गए 8 मेरे ख्याल से और अब यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट्स है भवन हाँ 45 मिनट्स है भवन 3 किलोमीटर ये और मैं ये खेचे में बाकी सब धीरे धीरे पीछे चलते हैं। ठंड होगी यार काफ़ी मतलब जैकेट या वार्मर की जरूरत पड़ेगी पर हम भाग थोड़ा कर लेंगे तो बॉडी वार्म अप हो जाएगी। आप भी जब भी आए तो वार्मर लेके आना पर हम भाई बॉडी वार्म कर रहे हैं हम नहीं पहनेंगे ये सब कुछ रेट भवन अंधेरा चेक गाइस बिल्कुल अंधेरा फ्लैश काम आ रही है। तो गाइस वो रहा भवन यहाँ से 10 मिनट होगा 15 मिनट का रास्ता नीचे उतरने का है। अब मुझे लग रहा है जब वापस आएंगे तब क्या हालत होगी क्योंकि वापस में टूटे फूटे ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से बुरी हालत हो जाएगी वापसी अभी। तो गाइस अभी सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पे और ये लेफ्ट साइड में लाइन लगी है पूरी आगे तक जो कि 2 घंटे की लिए जो 2 घंटे की लाइन है भवन जाने के लिए पर हम लगाएंगे ये अप्रोच जिससे एंट्री शाफ्ट में जल्दी हो जाए 2 घंटे का टाइम देखते हैं मिलिट्री अप्रोच लगेगी। अभी नहाने चलेंगे और कपड़े बदलेंगे उसके बाद चलेंगे भवन में। यहाँ से ऊपर कुछ दिख रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस अभी नहा के कपड़े नए पहन के आ चुके हैं लॉकर में सामान रखने के लिए क्योंकि अंदर कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है लॉकर की भी लाइन काफ़ी लंबी है सब ने नए कपड़े पहने हैं। लॉकर की जरूरत क्या है गाइस अभी दर्शन करके आ चुके हैं अंदर से हम 4 गए थे पहले हमारे हाथ ऐसे भर रखे गाइस और अब सारे बच्चों के से लोग गए हैं उनका सबका सामान लेके चपले लेके हम जा रहे हैं डोमिनोज आ गया डोमिनोज भाई 2 बैग इतने टांग रखे हैं बारी बारी सागर जा रहे हैं डोमिनोज।
डोमिनोज यार, नो ऑनियन नो गार्लिक ब्रो। तो भाई ये ऊपर जाने के लिए हरमन जैसे बच्चे प्रेम में इतना बड़ा बंदा बैठ गया। ऐसे अभी रात के हो चुके हैं 12:30 और हम यहीं पर ही हैं अभी भवन में, भवन के पास घोड़ा ढूंढ रहे कटरा के लिए। कटरा कोई भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा भाई? अबे बुक है भाई, कोई लेके आया है वापस जाने के लिए, बुक किया ना आने जाने के। और पैर चलने की किसी में हिम्मत नहीं है, मेरे में भी नहीं। अब तो दे चलने में पूरा उतर जाऊंगा वापस पैदल, पर फिर यह मैं 10 दिन तक उठूंगा नहीं, 10 दिन बेड पे। अब गाय के ऊपर गाय इतना भारी भरकम बोझ बैठा रहा है। क्या कर रहे थे अभी? डेढ़ बज चुके हैं और 4-5 लोग घोड़े पे निकल चुके हैं, बाकी हम कुछ बच्चे कुछ आए पैदल निकले आ रहे हैं। पूरा रास्ता पैदल आए थे, अब पहले शायद जाना पड़े पूरा, जाएंगे बाकी देखते हैं। बड़े स्पीड में अभी चल रहे हैं हम, अभी सिर्फ 3 किलोमीटर आए हैं, 11 किलोमीटर और डेढ़ बज चुके हैं। इस साल चाहिए तो सुबह 5-6 बजे तक ही पहुँचेंगे, घोड़ा ही करना पड़ेगा भाई। भाई तेरे पैर तो मस्त सूज चुके हैं, मेरे नहीं सूजे पर, ऊपर लाल हो रहे हैं पैर। जहाँ शाम में बैठे थे वहीं बैठे हैं, बैठे थे पहले। मेरे फ़ोन की बैटरी बची सिर्फ 2%, इसके बाद तो वीडियो भी नहीं बनेगी यार। चलो स्मेल बहुत गंदी आ रही है, मेरा फ़ोन चल रहा है। हाँ चलो यार पैर, ओए ओहो क्या गिरा ये? अच्छा आई गाइस, ऐसा गाइस हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, समझ नहीं आ रहा बोल क्या। टूटे पड़े हैं, कटा दिया है किसी ने मारा है, नहीं फील ही नहीं हो रहे। गाइस गुड मॉर्निंग, आज भी सुबह के मैंने तो 11 बजे का टाइम देखा नहीं, रात को 7 बजे घोड़ा खरीद लिया था ऑलमोस्ट, 1-2 लोग जो पैदल आए वापसी। मैं तो यहाँ मतलब मैं पैदल आना चाह रहा था, पर हरमन के चक्कर में साथ में घोड़े बिठा दिए कि हरमन के साथ फिर मैं घोड़े पे जाना था वापस, और हरमन से मेरे साथ बैठ सकता घोड़े पे और सबके वेट ज़्यादा था। रात को हम होटल पहुँचे 5 बजे पूरे, मैं और 2 लोग कोई आगे थे, 2 कोई और पीछे थे, फिर 2 पीछे थे, पता नहीं कौन कब आया क्या है कुछ नहीं पता, सब अलग अलग ऑटो करके वहाँ से पहुँचे। बहुत बुरा हालत है, पैर शरीर पूरा ठंडा हो गया, दर्द हो गया। अभी थोड़ा टाइम हो रहा है 1:50 और हमारी ट्रेन है 3 बजे की, हम सब आ गए हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने, यहाँ भरे पड़े हैं, बहुत बड़ी शॉप है पूरी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की, पूरी मार्केट ही एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स की है। जिम में डाली सारी पता नहीं चलेगा, और ये इतना सारा सामान हम 3 लोग सिर्फ लेके आए हैं। मेरी तो आई टेस्ट हो गई, इतना सामान उठा रखा था, गर्मी गर्मी हो गई, कल मौसम अच्छा था, गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें हमने जाना है घर, वंदे भारत, इंडिया सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ये अभी तक की। तो गाइस अभी ट्रेन चल चुकी है हमारी, ऐसी है ट्रेन, यहाँ पे आमने सामने वाली सीट्स हैं जो सेंटर में होती हैं, हमारे नाम हो चुकी हैं सारी, हम यहाँ बैठे हैं 3। और यार ये उल्टी चल रही है यार, चक्कर आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है ना, उधर को चल रही है, उस
वाली सीट पे बैठा हूं। मेरे से कट ओवर एक्टिंग वहां की साइड की सीट पे मतलब उस साइड मनु बैठे हैं। तो वैसे भी खाने को आ चुके हैं। इसके अंदर कुछ ये पॉपकॉर्न है, एक ये कचौड़ी है, एक एप्पल जूस है, ये मसाला चाय है और एक सैंडविच है। भैया बैठ जाओ कोई नहीं बड़ी मुश्किल से सोया था भैया, जगा दिया आपने। ठंड गर्मी की भी जरा डर रहा, नींद नहीं आ रही। लाया था अभी तक पिघली नहीं। वही तो आइसक्रीम बन गई। भैया बियर गर्म थी, चिल्ड पड़ी हुई। बताओ क्या करूं, पीने भी नहीं दे रहे आप। हमने कुछ नहीं बोला, रोटी आपकी पापड़ हमने कुछ नहीं बोला, सलाद आपने दिया ली, पैसे भी नहीं धीरे कर रहे। नहीं इश्विन, इश्विन इश्विन पिस्टल नहीं, इश्विन पिस्टल रख ले अंदर। नहीं नहीं गोली नहीं चलानी। जोर से बोलो जय माता दी। जो भी है ठंड बहुत है लेकिन आपको बात करने का मौका मिल रहा है, मैं सेलिब्रिटी तो वैसे भी बन गया। अच्छा ऐसे सेलिब्रिटी हम भी बनना चाहेंगे। प्लीज शेयर योर इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट आईडी टू। वी विल टॉक लेटर, राइट नाउ आई एम स्लीपिंग। बुलावा आया है, माता ने बुलाया।